सृष्टि जी, हम ना आपके लिए एक चीज लेकर आए हैं। रागिनी, ये क्या किया तुमने? मुंह में क्यों डाल दी रिंगू? तो मिस्टर जी, आपको किसने कहा था ये अंगूठी शरबत में मिलाने के लिए? हाँ, और अगर अभी हम मर गए होते तो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं फिर ये रिंग किसी और को दे देता। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसकी आवाज है? यमा? दादी? जी? दादी दादी उठिए, दादी दादी कहा हुआ? दादी अम्मा, दादी दादी अम्मा, संभाल। दादी अम्मा, क्या हुआ था दादी को? भैया पता नहीं, हम यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा कि दादी गिरी पड़ी थी। दादी अम्मा ठीक तो है ना? ये दवाई तुमने दादी को दी थी? ये तो नींद की दवाई है रागिनी। दादी माँ, आपका दवाई? अच्छा, वहीं रख रहे हैं, आप याद से खा लीजिएगा। ठीक है। तुम्हारे अम्मा का दवाई बदल दी है, इनका दवाई रखे, कोई बात का चिंता मत करो। कुकुटी डर लग रहा है तो डर गया। तुम दादी को नींद की दवाई क्यों दे रहे? कहा नींद का दवाई? नहीं नहीं मिस्टर जी, हम तो वही दवाई दी है जो रोज देते हैं दादी अम्मा को। ये फालतू बात बंद करो। अरे रोजे दवा देती हो तो आज का हो गया है? अरे उसमें नहीं थी का? अरे तुम सबका मनोरंजन का चक्कर में ना, आज अम्मा जी को अगर कुछ हो जाता तो मेरी सासु मैया। ओ गॉड, दादी का पल्स तो काफी लो है। अगर ऐसी कंडीशन में उन्हें नींद की दवाई दी जाती तो वो बेहोश हो जाती है, कुछ भी हो सकता था और हमें पता भी नहीं लगता। आखिर क्या करती हो तुम? नहीं मिस्टर जी, हम तो वही दवाई दी थी जो रोज देते दादी अम्मा को। विश्वास कीजिए हमारा, हम खाएंगे। अगर तुमने वही दवाई दी थी और दादी ने दूसरी दवाई ले ली तो तुम्हारी दवाई कहाँ है बताओ ना? यही होनी चाहिए ना? वो तो हम यही तो रखे गए थे दवाई। कहाँ है दवाई बताओ ना? और वो दवाई अपने आप गायब हो गई। ये वो दवाई फिर नींद की दवाई में कन्वर्ट हो गई। कैसा बात कर रहे हैं आप? शक कर रहे हैं आप हम पर? गॉड सेक रागिनी, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आप ऐसा कह पा? मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आई नो कि तुम्हें पढ़ने लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बिना कुछ भी सोचे समझे तुम ऐसे मत करो ना रागिनी। उनकी जान का सवाल है, दादी को कुछ हो जाता तो क्या होता? बस कीजिए मिस्टर जी, हमें मालूम है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना समझ तो रखते है ना कि कौन सा दवाई कब देना है। दादी अम्मा की दवाई के मामले में हम कभी गलत नहीं कर सकते, रोज तो देते आए हैं। और ये बात दादी अम्मा भी जानती, आप भी ना। हम वही दवाई दी थी दादी अम्मा आपको, पता नहीं भाई आपको कमरा तो छोड़ा।
भाभी के होते हुए ये दोनों कभी एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। अगर इन दोनों को नजदीक लाना है तो इन्हें भाभी से दूर करना होगा, लेकिन कैसे? माँ जी हमको माफ कर दीजिए, हम आपको ना इन दोनों का भरोसे पर छोड़ दिए। अरे आज से ना आपको जो है दवाई हम भी ना देंगे। आई लीजिए अम्मा जी। ना मड़की, दवाई तो हम रागनी बहुरिया के हाथ से लेंगे। वो दबंग जरूर है लेकिन हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। दादी मत सारी, गिला गई हो कद, गलती किससे नहीं होता, और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने सही गोली रखी हो लेकिन गोली बदल गई हो। खैर छोड़ो, तुम दोनों बच्चियां यहीं बैठो, मैं अनुराग से मिलकर आती और जाड़ते हैं उसको कि हमारी इतनी प्यारी बहू से उसने ऐसे कैसे बात की। वो मैं यही हूं, आपने जो करना है कीजिए, मुझे डांटना है डांटिए, मारना है मारिए, पर दादी की हालत देख के मैं एकदम से घबरा गया था और घबराहट में मेरे जो मन में आया मैंने कह दिया I'm really sorry बुआ। तुम घबरा गए थे अनुराग, घबराहट में इंसान अक्सर चुप हो जाता है। तुम जैसे रागिनी से बात कर रहे थे, ऐसे कोई तब बात करता है जब वो बौखला जाता है। और तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने अच्छे से रागिनी से बात नहीं की, तो माफी भी उसी से मांगो। जा। दादी अम्मा, वो हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। ठीक है भौरिया, जा। हम संभालते हैं उसे। अम्मा जी बात है, भाभी भाभी हम जानते हैं कि आप हमसे बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन आज फिर भी हम बोलेंगे। कहा है कि झूठ जानकर भी चुप रहने वाला झूठ बोलने के बराबर ही होता है ना, ऐसा हमेशा आप ही कहती हैं ना। हम जानते हैं कि झूठ और झूठ बोलने वाला आपको बिल्कुल पसंद नहीं, और इसीलिए शायद आज तक आप रागिनी को माफ नहीं कर पा रही है। लेकिन भाभी आप ये भी तो समझने की कोशिश कीजिए कि रागिनी जो भी झूठ मूठ का अनुराग के साथ झगड़ा की ना, वो आपका दिल जीतने के लिए ही किया। लेकिन आपका दिल पसीजने की जगह बेटा आप तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने पर उतारू हो गए। अपना मकसद साधने के लिए आपने अपनी माँ जैसी सासू माँ को निशाने पर लगा दी। भाभी इस झगड़े से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा। अब भूल जाइए सब, माफ कर दीजिए रागिनी को। खत्म हो गया तुम्हारा प्रवचन, और प्यार मोहब्बत वाला जो बात है ना, जाकर अपने पति को सुनाओ और उसका मनोरंजन करो। कहा है कि इस सब फालतू बात का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। बेमतलब का जो इल्जाम लगा रही हो ना, वो लगाना बंद करो। असर होगा, आज भले ही ना हो लेकिन एक दिन आप पर हमारी बात का असर जरूर होगा। एक दिन आपको भी समझ आएगा कि प्यार और इज्जत पाने के लिए प्यार और इज्जत देना भी पड़ता है। लेकिन हमें डर है कि ये एक दिन आने में एक अरसा ना लग जाए। और कहीं अपनी बहू और बेटे को अलग करने की कोशिश में आप ही अपने बेटे से दूर ना हो जाए। शिशली, हमको तो लग रहा है आप आज भी वैलेंटाइंस डे मूड में हैं। ओह, आपको हमारा सरप्राइज लगता है बहुत ही पसंद आया था। हमें आपका सरप्राइज बहुत प्यारा लगा विष्णु जी, और हम आपको आपके सरप्राइज के लिए ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाए।
थैंक यू विशु जी, आप बहुत अच्छी हैं। विशु जी हम दोनों बहुत अच्छे हैं और अनुराग जी और रागिनी की जोड़ी भी बहुत अच्छी है, लेकिन लेकिन आइए हमारे साथ। देखो रागिनी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो मैं ये कह रहा था कि तुम जो हो ना तुम ऐसे देखो मैं ये कह रहा हूँ रागिनी देखिए ना इनका झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। सृष्टि जी आपको पता है कल रात को भैया एक मिनट भी नहीं सो पाए थे, बहुत परेशान थे। रागिनी भी विशु जी हम इन दोनों के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमको मालूम है सृष्टि जी क्या करना है, एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। क्या? हो सके तो मुझे माफ कर देना। अनुराग जी विशु स्टोरूम में फिसल के गिर गए, हमसे उठ भी नहीं पा रहे, चलिए जल्दी चलिए। अनुराग जी जल्दी चलिए। अच्छा तो ये सब जो है ये आपका नाटक था? नहीं रागिनी, ये ड्रामा हम दोनों ने किया है। और भाभी ये दरवाजा अब तभी खुलेगा जब आप दोनों की सुलह हो जाएगी। अरे देवर जी लेकिन हम सृष्टि जी क्या कर रही है? चलिए विशु जी हम चलते हैं और ये दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? इन दोनों को स्वभाव से करीब आने देते हैं, दबाव से नहीं। और वैसे भी हमें तोता मैना की बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। चलो चले। रागिनी मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो लेकिन मैं सच में बहुत घबरा गया था। घबरा गए थे तो का कुछ भी बोलेंगे? कुछ भी बोलने से पहले आप सोचे विचारे नहीं एक बार? देखो मेरी बात सुनो। रहने दीजिए मिस्टर जी, हमें कुछ नहीं सुनना है। क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे ना कि हम जो है हम गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आपके लायक नहीं हैं। नहीं सुनना हमें। देखो रागिनी आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती आपसे नहीं हुई है मिस्टर जी, गलती हमसे हुई है। आप काहे माफी ये सब मांग रहे हैं? कुछ भी बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि हम दादी अम्मा से कितना प्यार करते हैं? मैं जानता हूँ तुम। आप नहीं जानते और आपको तो ये भी नहीं पता है कि हम दादी अम्मा से काहे प्यार करते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं आपको, हमारा दादी अम्मा से लगाव का ना सिर्फ एक ही कारण है और वो ये है कि वो आपकी दादी है, हमारे मिस्टर जी की। मिस्टर जी जब एक लड़की शादी करके ससुराल में आती है ना तो वो उन सारे अनजान चेहरों से सिर्फ यही सोच के रिश्ता बनाती है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उसके जीवन साथी को पाल पोस के बड़ा किया, उसको उस लायक बनाया। अगर ये लोग नहीं होते तो वो नहीं होता। वो जिसके होने से उस लड़की की जिंदगी जन्नत बन गई और इसी रिश्ते से हम आपकी दादी अम्मा को अपनी दादी अम्मा मान लिए, आपके परिवार को जो है ना हम अपना मान लिए। लेकिन मिस्टर जी आपको लगता है हम लापरवाह है ना मिस्टर जी? मिस्टर जी एक लड़की के लिए ना वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब उसका पति उसके लिए कुछ करता है, और हम वो पल छोड़ के ना वहां दादी के पास भागे थे। काहे भागे थे? उनको दवाई देने के लिए। और आपको लगता है कि हम दवाई देने में लापरवाही कर देंगे? तुम्हारी सभी बातें सही हैं सिवाय एक, हमारी दादी माँ इस घर के सभी लोग मुझे इस लायक नहीं बना पाए कि मैं अपनी बीवी की अच्छाई देख सकूं।
मिस्टर जी, आपसे जुड़ी हर चीज ना हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है। रागिनी, मुझे सिर्फ दादी की नहीं, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। तुम पूरा दिन इस घर का ख्याल रखती हो और मैं तुम्हें आज तक इतना नहीं बता पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आज जब माँ ने तुम पे चिल्लाया ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत परेशान भी हुआ था, लेकिन माँ को तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन तुम्हें सुना दिया। I'm sorry, रागिनी, I'm really sorry. ज़्यादा सारी सारी मत कहिए, नहीं तो ये तो हमें शर्मिंदगी हो जाएगी। तो कहाँ है मेरा गिफ्ट? हाँ, आपका गिफ्ट। एक मिनट, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करूं? हाँ, फिर हम गिफ्ट देंगे। बहुत शर्म आती है अपने मिस्टर जी से। हाँ ठीक है, हेलो। रुकिए रुकिए रुकिए, मिस्टर जी आपका गिफ्ट जो है ना, हम आपको बाद में देंगे। अरे अनुराग सिंह, दिस टाइम यू डिजर्व दिस ओनली। आज हमको बहुत तेज भूख लगल है, हम भरोसेंगे नहीं कोनो को। हम तो कहते तुम जल्दी से बैठ जा, तुमसे तो वैसे भी कोनो काम होता है का है? हाँ, ये तो आवाज एकदम मिस ठीक कर रही। नहीं सब आए का है, नहीं है भाई, क्या कर रही हो है? सारा का सारा जो है वो आज ना खा जाओगी है, ठूस लोगी साहब। का तुम्हारी बड़की जो बहू है, उता कोप भवन में बैठल है अपना है, आज तो खाना खाएगी नहीं, तो इतना बनल है, हम सोचे कि हम ही खा लेते हैं। इसे मान गए ना अपने बुआ को? तुमको तो हम बचपने से मानते हैं। एक बार कहे बुआ हमको, कहे तो ऐसा लग रहा है ना कि आज अगर तो आएंगे नहीं खाना पर। हम सोच रहे हैं कि जो बाकियों का पराठा है वो खा लेते हैं का। संभाल, आलू पालक और पराठा। मम्मा कृष्ण, और आप सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? हैं कुछ नहीं, थोड़ा अपना खेत देखने गए थे। लाओ बहू, सबसे पहले चाय दो हमें। माँ जरा वो चटनी पास करना प्लीज। हाँ बटा देते हैं। ओह नो, मेरी शर्ट। अरे रे भाई, कहाँ कर दिया है, पुराना शर्ट खराब कर दिया है। देखो बेटा, गुस्सा मत होना, गलती से हो गया, ध्यान नहीं रहा होगा। अरे माँ, कैसे गुस्सा नहीं करूँ, गुस्सा होने वाली बात है ये, मेरी इतनी अच्छी शर्ट खराब कर दी है। अब जिसने भी ये मेरी शर्ट खराब की है ना, उसी के पल्लू से मैं इस शर्ट को क्लीन करूंगा। साफ हो गया। बस भैया, इतना जोर से तो कपड़ा भी साफ नहीं करते। अरे हाँ, तो दिल साफ हो रहा है विशु। मिस्टर जी हो गया? क्या हो गया, अभी और थोड़ा सुना। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे घर के सारे छोटे सदस्य और बड़े सदस्य, मैं रोहिणी सिंह जिस दिन से इस घर में आई हूँ, इन चारों बच्चों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। अब ये तो नालायक भतीजे हैं, इनका तो फर्ज बनता है मेरा ध्यान रखना। लेकिन मेरी इन दोनों बहुओं ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं बहुत खुश हूँ इससे। और मैं तुम चारों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम चारों हमेशा खुश रहो, हमेशा भगवान तुम्हें साथ रखे और खुश रखे। थैंक यू बुआ। हाँ, अब ये बुआ का आशीर्वाद सिर्फ मुंह बोला ना लगे, इसलिए
चारों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? इका है फुआ? सरप्राइज? ये तुम चारों का एयर टिकट है उदयपुर के लिए। तुम चारों हनीमून पर उदयपुर जा रहे हो। अरे वाह, उदयपुर! बुआ, थैंक यू सो मच, आई लव यू, यू आर द बेस्ट बुआ इन द वर्ल्ड। हाँ मिस्टर जी, सबसे बेस्ट बुआ। बुआ जी, आप अच्छी हैं ये बात तो हम पहले दिन से जानते थे, लेकिन आप इतनी अच्छी हैं ना, ये बात हमें आज पता चला।